बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने फ़िज़मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो मेरा परसों का व्लॉग बना हुआ है और कल 9 मुहर्रम थी और जुमे वाले दिन मैंने व्लॉग बनाया था, तो सेंड नहीं कर पाया हूँ अभी तक। वैसे ही पड़ा है, क्यों ये दो दिन नेटवर्क बंद रहा है और जो नेटवर्क बंद होने की वजह से इंटरनेट भी बंद रहा था, तो कल काफ़ी अफसोस हुआ था। तो सेंड करने को मैं आज भी कर सकता था, लेकिन इसलिए नहीं किया क्यों नेटवर्क सब तरफ बंद है और मेरी वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों वीडियो अपलोड करने का जो शुरू का टाइम होता है उसी में जो व्यूज़ आते हैं वही वीडियो को आगे लेके जाते हैं, तो इसीलिए वीडियो उसी वक्त अपलोड करनी चाहिए जब टाइम अच्छा हो, जब व्यूज़ आपको पता हो कि इस टाइम व्यूज़ अच्छे आएंगे। तो अभी क्लास से वापस आया हूँ, गर्मी काफ़ी है, आज भी बादल भी हो रहे हैं, तो पूरा शहर बंद है। ये जो मातम हो रहा है उसकी वजह से हर तरफ सड़कें बंद हैं और हम अंदर से बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढ के फिर आते हैं। जब सुबह गए थे उस वक्त तो वो तंबू के नीचे से निकल गए थे, लेकिन जब ये टाइम होता है तो क्यों जुलूस काफ़ी अपने अरूज में होता है इनका, तो उसकी वजह से जो हमें रास्ता कुछ और इख्तियार करने पड़ते हैं, तो फिर हम कुछ अंदरूनी रास्ते ढूँढ के फिर निकलते हैं। कल को इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होगी मेरी, ये दो दिन में तो मुमकिन नहीं है, कल को इंशाल्लाह करेंगे। और ये जुमे वाले दिन भी मैंने अपने दोस्त के पास आना था, लेकिन रابطہ ना होने की वजह से नहीं आ पाया, तो तकरीबन उस दिन से अभी तक रابطہ नहीं हो पा रहा। तो आज मैं निकला हूँ, तो अभी मैंने देखा जिस तरफ मैंने आना था रोड भी खुला हुआ था, बाइक भी फारिग थी, इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा था। एक तरह बाइक की तरह रहते हैं हम, तो रابطہ ना हो तो दिल नहीं लगता है, तो इसी वजह से मेरा दिल नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि पता कराएँ क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉल भी नहीं अटेंड हो पा रही है। तो अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है, बस पहुँचने वाला हूँ। ये पीछे हमारे बाईपास है, ये बाईपास का रास्ता है गाड़ियों वगैरह का। अभी दफ्तर में बैठा हूँ, ये दोस्त हमारे हैं उनका दफ्तर है, तो अभी भी वो गैर हाजिर हैं। पता करवाया घर से, पता नहीं क्या रिस्पांस आता है, क्या जवाब आता है, तो फ़िलहाल अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर इधर आसपास ही होंगे तो आ जाएंगे, वरना फिर ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा हमें। मैं उस इदारे में था लेकिन उधर उनके घर वालों ने बताया कि इधर नहीं आएंगे, दूसरे इदारे में गए हैं, तो मैं इस दूसरे इदारे में पहुंचा हूं, लेकिन अभी तक वो इधर पहुंचे नहीं हैं। तो अभी मैं इधर ही इंतज़ार करूं कि इसको भी ताला लगा हुआ है, क्यों अभी ये खुलना है, तो देखो कब तक खुलता है, तो वही आके खोलेंगे दोस्त। तो उन्हीं के इंतज़ार में खड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल से पहुँचाऊँ, क्यों ये जो इसको रास्ता लगता है ना वो सारे बंद थे, तो अंदर गलियों से होता हुआ निकला हूँ। क्यों अभी आते हुए थोड़ी सी मुश्किल हुई है, जाते हुए तो रास्तों का पता चल चुका है, तो जाते हुए इतनी मुश्किल नहीं होगी। अभी वापस आया हूँ जल्दी जल्दी में, क्यों मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, 3 बजने वाले हैं, तो अभी आके सिर्फ मुँह हाथ धोया, क्यों मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और जब वो चेहरे पर पड़ती है ना तो अजीब सी हो जाती है कि उलझन सी होती है फिर, तो अभी मुँह हाथ धोया तो फ्रेश हुआ हूँ, तो अभी बस निकलते हैं। और जाने में भी थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, क्यों अब चक्कर लग रहे होंगे हर तरफ, तो बस कहीं रास्ता देख के निकलते हैं। अभी हम अभी क्लास में हैं तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो पता नहीं कब तक चलेगी, जाना भी मुश्किल होगा। ये देखें कितनी तेज़ बारिश आ रही है, पूरा ये हमारा जो मदरसा है भर चुका है पानी से। आज 10 मुहर्रम है और बच्चों का रोज़ है, तो मुझे एक काम मिला है कि उनके लिए एक हलवा स्पेशल वो तैयार करना है। नहीं कुछ ना ओ पतीला लाई यार थले ला के, दूसरा रखिए तो पानी खुश्क हुए मैं आ रहे हैं, तो अभी वो तैयार करने लगे हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा उसको तैयार करने में, क्यों बहुत सख्त काम है वो जो तैयार करना, क्यों उस पर चमचा बहुत तेज़ी से लाना पड़ता है और मौसम भी ठंडा है और इस मौसम में वो, हाँ जी पा दो पहले खुश्क हो लेंदी है ना, तो और मौसम और बहुत ही मज़े का लगता है वो, आपको भी दिखाएंगे
ये देखें मौसम हो रहा है, पौधे बहुत खुश हो रहे हैं आज बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश आई है आज तो तकरीबन डेढ़। चाचा किन्ना की बारिश पई, कितनी देर बारिश पई है? दो तो बाद ही शुरू हुआ, 3 बजे तक अभी तक पैंदी पई है। हाँ आधा पौना घंटा हुई है। ये देखें घी में चीनी डाली हुई मैंने, ये जो हलवा बन रहा है इसका नाम है मखड़ी हलवा। तो ये सबसे पहले तो घी में चीनी को खोरा जाता है, क्यों मेरा ये तकरीबन 7 से 8 साल का तजर्बा है, मैं कब से पका रहा हूँ तो बहुत ही मज़े का बनता है, तो इसीलिए ये जब भी खाना होता है तो मुझे ही ऑर्डर दिया जाता है। इधर ये चीनी को हम बिल्कुल ब्राउन करेंगे, तो दूसरी तरफ मैंने ये सूजी को भिगोया हुआ पानी में, ये दूध में भी भिगोई जाती है लेकिन मैंने इधर पानी में भिगोया है, दो तरीक़ों से बनती है। तो जब तक ये चीनी खुरेगी उस वक्त तक सूजी भी हमारी भीग अच्छे तरीके से भीग जाएगी, तो फिर वो डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। जब ये सूजी डाली जाएगी तो वो मुसलसल चमचे को हिलाना पड़ता है, तो जिस्म के जोड़ जोड़ हिल जाते हैं इससे जितना इस पर ज़ोर लगता है। तो आज तो मैं बना भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ, तकरीबन 3 किलो सूजी है जिसकी मैं ये तैयार कर रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत तैयार हुआ है हलवा। तो अभी कुछ टाइम और लगेगा, अभी थोड़ा सा रहता है, 5 से 10 मिनट लगेंगे। मैं अभी बना के वापस आया हूँ और जुलूस के अंदर से गुज़र के आया हूँ, काफ़ी मातम चल रहा था, क्यों हमारा गुज़रना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो मेन रास्ता था जहाँ से वो गुज़र रहा था और हमें भी उधर से वापस आना था। तो आ तो गया हूँ, क्यों वो पक चुका था उसी वक्त ही, जल्दी से पका के मैंने निकलने की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये देख रहे हैं अभी तक पसीना नहीं सूख रहा है, क्यों उस पर मेहनत बहुत ही ज़्यादा होती है, क्यों चमचा 1 मिनट भी ही नहीं रुक सकता है, तो बस उसी चमचे के चलाने में एनर्जी काफ़ी ज़ाया हुई है। तो खैर है, बच्चों की खिदमत, क्यों उन्होंने बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ था तो बनानी खीर थी लेकिन दूध नहीं मिला, आज 11वीं भी है और 10 मुहर्रम भी है, तो इस वजह से काफ़ी दूर तक फिरे हैं लेकिन दूध नहीं मिला है। तो इस वजह से यही डिसाइड किया था कि हलवा ही बनाएंगे और वो भी मखड़ी, क्योंकि ये मुश्किल होता है और बनाना किसी किसी को होता है, तो मुझे इसका तजर्बा काफ़ी है कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही मज़े का बनता है। अगर किसी मेरे बहन भाई को इसकी रेसिपी की ज़रूरत हो तो बता सकते हैं, अगर किसी की ज़रूरत हो किसी की फरमाइश पे मैं ज़रूर करूँगा, ज़रूर उसको गाइड करूँगा, मुकम्मल गाइड करूँगा जैसे कि ये बनाया जाता है, बिल्कुल भी इसमें कमी पेशी नहीं होगी, जो मेरे जहन में है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो बारिश की वजह से नीचे भी हबस था इसीलिए मैं ऊपर आया था अभी, क्यों ऊपर कुछ मौसम हवा चल रही है ठीक है, क्यों मुझे बस ये थोड़ा सा जो कपड़े गीले हैं इसको खुश करना है, तो हो जाएंगे थोड़ी सी देर तक। नींद बहुत ज़बरदस्त आई हुई है, तो अभी ऊपर जाके देखते हैं मौसम कैसा है, अगर तो बारिश का हुआ तो फिर तो नीचे सोएंगे, अगर नहीं तो फिर ऊपर ही सो देंगे। तो और वैसे भी अभी मुझे 9 बजे तक का इंतज़ार है कि 9 बजे हमारा नेटवर्क आएगा, क्यों सुबह से घर में बात नहीं हुई है, बात करनी है तो उससे, क्यों बात किए बगैर नींद नहीं आएगी, तो इसी वजह से इंतज़ार है 9 बजे तक का, उसके बाद ही सोएंगे। तो आज की वीडियो का हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।